हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वक्रांगी के बारे में। आइए पहले देखते हैं इनके सर्विसेज क्या क्या है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिर है जी टू सी सर्विसेज, जिसमें ये सारी सर्विसेज आती हैं। फिर बी टू सी सर्विसेज, जिसमें टेलीकॉम, डायरेक्ट टू होम, एजुकेशन, ये सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। फिर है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स, ये सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। आइए नज़र डालते हैं इसके चार्ट पे। अभी करंट प्राइस है 387 और आज ही इसे बोनस इशू हुआ है, इसलिए प्राइस स्प्लिट होके आधा हो गया। यही सही टाइम है इसमें निवेश करने का। जैसा कि आप देख सकते हैं, पी भी इसका बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री पी से भी आगे है और डिलीवरीज भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। पीयर्स की अगर बात करें तो वक्रांगी इस सेक्टर में लीड करता है विद द हाईएस्ट मार्केट कैप एंड सेल्स एंड प्रॉफिट एवरीथिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिजर्व्स काफ़ी अच्छा है, लाइबिलिटीज़ ज़ीरो डेट है ये कंपनी। करंट लाइबिलिटीज़ में थोड़े बहुत अमाउंट है, बट वो चिंता का विषय नहीं है। असेट की हम बात करें तो अच्छा खासा असेट है उनके पास, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बहुत अच्छा है। आइए नज़र डालते हैं रेवेन्यू पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर साल इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ है मार्च 16 और मार्च 17 के बीच, और बेसिक ईपीएस भी बहुत अच्छा है। जैसा कि इस कंपनी में अभी ही बोनस इशू हुआ है, तो ये एकदम सही समय है ये एक लो प्राइस पे बाई करने के लिए। 388 के आसपास है, तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। मोस्ट रिकमेंडेड स्टॉक ये है आज के लिए। धन्यवाद।